करते हैं सर्दी के सितम की। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और कई जगह हुई बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। ठिठुरन भरी सर्दी और सर्द हवाओं के बीच हल्की फुहारों ने लोगों को मावट का एहसास करवाया है। ऐसे हालात में लोग कड़ाके की ठंड से बचते हुए दिख रहे हैं और जतन कर रहे हैं अलग अलग, जहां अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर लोग घर में दुबके बैठे रहने को मजबूर हो गए हैं। दिन में ही लोगों को भारी भरकम ऊनी वस्त्रों के साथ अलाव का सहारा लेना पड़ता है। मौसम की मार से एक ओर जहां रबी की फसलें प्रभावित होने लगी है, तो वहीं मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। दिन में बादलों की आवाजाही के बीच कोहरे के कारण लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ललित, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है लगातार, और एक बार फिर से ठंड के टॉर्चर से प्रदेशवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग का क्या कहना और फिलहाल क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि 15 दिसंबर से जो सर्दी शुरू हुई थी वह लगातार लोगों को सता रही है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा मौसम बदलने से लोगों को इस सर्दी से राहत मिली है, लेकिन पिछले 4 दिन से एक बार फिर से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश और इसके साथ ही सुबह शाम चलने वाली ठंडी हवाएं और घने कोहरे की वजह से सर्दी एक बार फिर से अपने प्रचंड प्रकोप में आ चुकी है। लोगों को सुबह सुबह सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि उनको बाहर निकलना पड़ता है किसी न किसी जरूरी कार्य से, और इस सर्दी से बचने के लिए लोग इस सर्दी का जो अलाव है उसका सहारा लेते हैं। पूजा, आप देख सकते हैं कि सर्दी से बचने के साथ ही गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं, लेकिन सर्दी उसके बाद भी राहत नहीं दे रही है। मैं 10 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन जो गलन है वो गलन लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जो ओस है ओस का प्रकोप सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर के साथ ओस भी काफी परेशान करेगी। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। बताओ एक बार फिर से सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सर्दी की कपकपी छा रही है। कपकपी छा रही है, आप बिल्कुल ओट पहन के हैं, सर्दी कैसे? सुबह सुबह आए थे हम तो इतनी ठंड लग रही है जैसे हाथ को पता ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। आग के सामने बैठे तो पता चलने लगा है, अब कुछ राहत मिली है आग के सामने। आग के सामने राहत मिली है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, आप ड्यूटी पे भी आए? हाँ, अभी सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को ड्यूटी पे जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इसके चलते अलाव का सहारा ले रहे हैं और यहाँ आग के पास बैठने से कुछ राहत मिल रही है। जी, आग के पास बैठने से कुछ राहत मिल रही है। पूजा, योगी ये आग ही है जो राहत दे रही है। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में लगातार मौसम बदलता हुआ रहेगा। इसके साथ ही आज प्रदेश के तकरीबन 8 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह और शाम जो अगर ये बारिश होती है तो ऐसे में जो सर्दी है और तल्ख तेवर दिखाती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।